दोस्तों अभी बजे हुए सुबह के 4। वेल दोस्तों मैं हूं दीपक और आप सभी के लिए एक एडवाइस है, सूरज अभी जागा नहीं है, आप भी अभी सो रहे होंगे, बस मैं और अक्षय कुमार उठे हुए क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में करना है भाई कुछ। अब रात को अगर आप लेट सो रहे हो उसके बड़े नुकसान है, बंदीवाज चैट वैट करते रहोगे, ज़िंदगी ख़राब करोगे, घर वाले गाली देंगे कि सुबह टाइम से नहीं उठ रहा, कुछ कर नहीं रहा। बट मेरी स्टोरी है बिल्कुल डिफरेंट। अभी मेरे को जाना है, रनिंग करके आनी है, उसके बाद मेडिटेशन करनी है और फिर अपने काम पे लग जाना है। मतलब ये है दीपक ठाकरान फिटनेस की ज़िंदगी। लोहल चिल करो दोस्तों, ये सब तक कैमरे के लिए, रियल लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। मैं 7 का अलार्म लगाता हूँ और वो तब तक बजता है जब तक या तो मेरी मम्मी का फ़ोन ना आ जाए या फिर उनकी चप्पल मेरे तक ना पहुँच जाए। लेकिन आप जिस भी टाइम उठ रहे हो, सुबह उठना अच्छी बात है, बट अगर आप लेट भी उठ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछे कि क्या आप मॉर्निंग में फ़्रेश फील कर रहे हो, और अगर आप नहीं फील कर रहे तो आपको चेंज की सख्त ज़रूरत है, एंड प्लीज़ इस पर काम करें। स्पेशल थैंक्स टू जतिन जो कि मेरा कज़न और ये वीडियो शूट करवाने में मदद की है। भाई शक्ल तो दिखा दे। तो जतिन की लाइफ की सेम स्टोरी, हर मिडिल क्लास फैमिली बच्चे की तरह, स्कूल कर ले लाइफ सेट है, कॉलेज कर ले लाइफ सेट है, और अब उसके बाद जॉब, तो जॉब में अभी इन्हें चूज़ करना है अपना पैशन या फिर SSC। सो सुबह की शुरुआत मेरी हमेशा होती है एक गिलास गर्म पानी के साथ। जो लोग सुबह अच्छे से फील हो पाते वो जानते हैं कि ये क्या कितनी बड़ी खुशी है। उसके बाद अगेन अपना ब्रश करना, नहाना धोना, अच्छे से फ्रेश होना। इसके साथ ही मेरे को मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करना पसंद है। सुबह माइंड क्लियर होता है, कोई ऐसे थॉट्स नहीं होते, तो अपनी व्लॉग्स वगैरह, अपनी वीडियोज़ वगैरह जो मैं यूट्यूब इंस्टा पर बनाता हूँ उसके लिए आइडियाज़ मिलते हैं, और थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ कि चल क्या रहा है। तो आज भी मेरी पहली मील है 4 अंडे की भुजिया और उसके साथ में 2 से 3 रोटी, क्योंकि मेरा ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं था आज। तो मैं ये बना रहा हूँ मिट्टी के बर्तन में। इसके काफ़ी फ़ायदे, देखो खाना टेस्टी बनेगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रिजर्व होगा और फूड के अंदर एसिडिक क्वालिटीज़ भी ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये मैं खा रहा हूँ नीचे बैठ के। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप नीचे बैठ के खाना खा रहे हो उसके बहुत फ़ायदे हैं, डाइजेशन अच्छा होगा। एंड प्लीज़ ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे थोड़ी सनलाइट भी आ रही हो, जिससे कि डाइजेशन और इम्प्रूव होगा। एंड प्लीज़ मूवीज़ मत देखिए उस टाइम। और यहाँ पे जतिन अपने बनवा रहे हैं पराठे और उसके साथ में दही, जो मेरा मन नहीं था क्योंकि इतना हैवी खाने का आज मेरा मन नहीं था इसलिए। सो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एज इट इज़ का पीनट बटर, जो बना है 100% रोस्टेड पीनट से। अगर आप 2 चम्मच ये ले रहे हो यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा टोटल। इसके अंदर आपको मिल जाएगा 9.6 ग्राम्स प्रोटीन और 210 कैलोरीज। अगर इसके बाकी चीज़ें आप चेक करोगे, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है जो कि 6.3 ग्राम्स है, और डाइट्री फाइबर भी आपको 3 ग्राम्स मिल जाएगा। इसके साथ ये लोडेड है एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स के साथ भी। अगर हम सबसे अच्छी बात इसकी देखें वो है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखा है इनका बनाने का प्रोसेस। तो इन्होंने इसके अंदर कोई भी पाम ऑयल नहीं मिला रखा, यानी कि कुछ कंपनीज ये सस्ता पाम ऑयल बना देती है, मिला देती है इसके अंदर, जिससे कि उसका प्राइस काफ़ी चीप हो जाता है और क्वान्टिटी थोड़ी बढ़ जाती है। वो इन लोगों ने नहीं कर रखा। इसके अंदर इन्होंने कोई भी शुगर, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर इन्होंने कुछ नहीं डाल रखा। तो ये बिल्कुल रो फॉर्म में आपको, जो अगर आप घर पे भी बनाओगे वैसे ही आपको ये मिलने वाला है। ये पीनट बटर आप दोनों गोल के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका वेट गेन गोल हो या फिर आपका वेट लॉस करना हो। आपको वेट लॉस में भी आप ये खा सकते हो, काफ़ी आपके लिए फिलिंग है, लेकिन ज़्यादा क्वान्टिटी में मत खाइएगा क्योंकि कैलरी ज़्यादा है। लेकिन जो लोग वेट गेन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है ये, कि आपको ज़्यादा कैलरीज प्रोवाइड करवा देगा, प्रोटीन भी दे देगा और आपको कम खाना पड़ेगा। तो एक तरीके से काफ़ी कैलरी डेंस फूड है, तो यूज़ कर सकते हो। मैं भी पर्सनली अभी यूज़ कर रहा हूँ और मैं काफ़ी खा चुका हूँ, अभी थोड़ा सा ही बचा है। मैं आपको एक बार इसका टेस्ट भी दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो काफ़ी क्रंची है, तो काफ़ी टेस्टी बना रखा, थोड़ा सा ही बचा है मेरा, मैंने पहले ही खोल दिया था एक्चुअली प्रमोशन वीडियो से पहले ही। तो दोस्तों आप भी ये खरीद सकते हो, इसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरा कोड दीपक एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिल जाएगा। सो गाइस अभी हो गया हमारा जिम का टाइम और अभी हम अपना लेंगे पोस्ट वर्कआउट साथ में जाएंगे, और इसके अंदर मैं वे प्रोटीन के साथ मिला रहा हूँ खांड। देखिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है पोस्ट वर्कआउट में, क्योंकि ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट में मदद करेगा और आप प्रोटीन का पूरा यूज़ कर पाओगे, तो आप ये टेक्निक ज़रूर यूज़ कीजिए। तो जिम मेरी 5 से 10 मिनट ही दूर है, तो आज हम करने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट, और आपको बहुत कुछ हमारा सिखाने वाले हैं।
सो गाइस आफ्टर सम वार्म अप आज हमारी पहली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। तो बेसिकली चेस्ट के दो हेड होते हैं मेनली, पहला स्टर्नोकोस्टल हेड जिसे कि मिडल चेस्ट या लोअर चेस्ट भी बोलते हैं, और सेकंड है क्लेविकुलर हेड जिसे हम अपर चेस्ट बोलते हैं। तो तीनों हेड को ट्रेन करता है बट मेनली स्टर्नोकोस्टल हेड को ये ज़्यादा ट्रेन करता है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। इसके हम 3 सेट करेंगे अराउंड 8 to 10 रेपिटेशंस। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये एक्सरसाइज हमारी अपर चेस्ट यानी कि क्लेविकुलर हेड के लिए। तो जिन लोगों का भी अपर चेस्ट थोड़ी वीक है आप चाहो तो इसे पहले कर सकते हो बेंच प्रेस, फिर आप चाहो बाद में कर सकते हो। अगर आप डंबल से करोगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनको थोड़ा बहुत मसल इम्बेलेंस है। तो मेरे को भी हल्का सा राइट शोल्डर में फील हो रहा था इसलिए हम डंबल से कर रहे हैं। तो आप अपने आप प्रेफर कर सकते हो डंबल से या फिर बारबल से। इसके भी अगेन हम 3 सेट्स करेंगे। और देखिए आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, हम चेस्ट के सिर्फ 3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहली मैंने आपको दिखा दी, सेकंड ये है और थर्ड होगी हमारी पैक डेक फ्लाई। सो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी पैक डेक फ्लाई। इसके हम 2 से 3 सेट करेंगे अगेन 10 रेपिटेशंस। और इसके बाद फिर अब हमारी आएगी ट्राइसेप्स। ठीक है, ट्राइसेप्स काफ़ी छोटी मसल है, इसके बेसिकली 3 हेड होते हैं और आप इसके लिए अगर आप 1 से 2 एक्सरसाइज करोगे दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ये चेस्ट के साथ भी ट्रेन हो रही होती है एज एन असिस्टेड मसल। तो अभी हम पहली एक्सरसाइज करेंगे स्कल क्रशर। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ क्योंकि शोल्डर फ्लेक्स पोजिशन में है और इसमें थोड़ा सा आपके ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्ट्रेच पोजिशन में ऑलरेडी। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। और इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं पुली पुश डाउन। देखिए इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, जितना आप नहीं कर पा रहे तो आपका शोल्डर्स इंटरनली रोटेट अंदर की तरफ घूमना स्टार्ट कर देंगे और आपका फिर ट्राइसेप से लोड हटकर आपका थोड़ा शोल्डर्स की तरफ चला जाएगा और वो एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो प्लीज़ ये ध्यान दीजिए। सो इसके बाद हम थोड़ी सी पोजिंग कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ वर्कआउट में बट जस्ट टू चेक कि क्या चल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो एंड आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हो। एंड अगर आप ऐसे व्लॉग चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और जो भी आपके सवाल है। एंड एंजॉय पॉजिंग।